शिखर सामाजिक सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में होली महोत्सव मनाया गया। महिलाओं ने होली के गीत गाकर एक दूसरे को बधाई दी और इस दौरान आलू के गुटके और हलवे का भी आनंद लिया। महिलाओं ने होली गीतों के माध्यम से प्राचीन संस्कृति से रूबरू करवाया और जाति धर्म द्वेष से ऊपर उठकर जीवन को सात रंगों में बांट उसे आनंद में मनाने का संकल्प लिया। आप यहाँ पर पधारे और ये कार्यक्रम शिखर सांस्कृतिक विकास समिति नंदा देवी की ओर से, जो उसकी सचिव हैं सुश्री लता कुंजवाल जी, यहाँ हल्द्वानी में 7-8 साल से मनाते आ रही हैं। इस साल कोरोना के वजह से सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन हमने कहा चाहे कम लोग आए लेकिन ये परंपरा टूटनी नहीं चाहिए। आप इसको चाहे कम करें, कम भीड़ को बुलाएं, लेकिन ये परंपरा स्थायी रूप रखना चाहिए। इस तरह से ये हमने ये होली महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर आरंभ किया। सर, हमारी संस्था शिखर सांस्कृतिक विकास समिति नंदा देवी अल्मोड़ा की संस्था है, जो विगत करीब करीब 15 और 16 साल से हम लोग होली का ये महोत्सव करते हैं। और इस होली के महोत्सव में हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि एक तो ये जाति से परे होता है, मिलन का त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार होता है, उत्साह का त्यौहार होता है। और दूसरी बात यह है कि इस त्यौहार में इतनी खुशी होती है कि कोई एक दूसरे को ये नहीं देखता है कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, और सब लोग मिलजुल के इस त्यौहार को मनाते हैं। और ख़ासकर उत्तराखंड में जो है, हमारे यहाँ गाने को बहुत, गाना और खाना, हमारे यहाँ जैसे होली, वैसे बोल तो हमारे यहाँ कुमाऊनी के बहुत कम हैं, क्योंकि जैसे मेरो रंगीलो देवर घर एरो छो झुकी आयो शहर में व्यापारी, कुछ कुछ होलियाँ हमारी कुमाऊनी हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादा अवधि और ब्रिज की ही होलियों को गाते हैं। और घर घरों में मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस त्यौहार का उद्देश्य यह है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहें, कोई जाति धर्म ना देखें, और इस त्यौहार को खुशी से मनाएं।